अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज की फ्रेगरेंसेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो थोड़ी सी ना हमारे लिए चीप सी किस्म की फ्रेगरेंसेस पर डिस्कशन करें। देखें, चीप प्राइस जो प्राइस ब्रैकेट आपने मुझे दी थी ना 1000 रुपीज़ की राउंड अबाउट, इस प्राइस टैग में कोई इतनी अच्छी खास आइटम मिलती नहीं है। अगर कोई ऐसी आइटम्स ऐसी परफ्यूम्स हैं भी, तो वो लगाने के बाद थोड़ी देर बाद गायब हो जाती हैं, वो परफॉर्मेंस ही नहीं देती, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती। तो मेरा दिल होता है कि कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेस के ऊपर डिस्कशन करूँ कि जो अगर आप ले भी गई ना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो वर्थ करती हो। तो बहरहाल ये नहीं कि मेरी उनसे जिद है कि मैंने इस प्राइस रेंज में आना ही नहीं है, नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा अगर कोई ऐसी फ्रेगरेंस मुझे नज़र में आए जो इस प्राइस रेंज के अंदर हो और परफॉर्म भी अच्छा करती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। आपको लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इस प्राइस में क्या है और हम उसको बाय करें, वो आपको इन्जॉय भी करवाए। बहरहाल आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करना है, इसकी हमारे ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी काफी डिस्कशन होती रही है, मेरे पास ये अवेलेबल भी थी और मुझे एक भाई ने कहा भी था, एक दो भाइयों ने कहा था कि आप इस पे भी वीडियो बनाएं। ये है सिल्क मस्क बाय अजमल, यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है अजमल की तरफ से ये है, और इसकी अजमल की ओरिजिनल पैकिंग में भी अवेलेबल है और इसके अलावा भी ये मिल जाती है, यानी कि जो बड़ी बॉटल्स नहीं आती हैं ओपनली, जो हमारे अतर्स वाली शॉप्स होती हैं जो, उनके पास भी अवेलेबल होती है। ये नहीं कि वो अजमल की नहीं होती, होती ही वो अजमल की हैं, वो 1 kg की पैकिंग में आती है या आधा किलो की, हाँ 500 ग्राम की पैकिंग में आती है, उसमें से वो आपको डिकैंट करके देते रहते हैं अतर वाली बॉटल्स के अंदर। ये भी वैसे ही है मेरे पास। जो इसकी अजमल वाली पैकिंग है उसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास है, 2000-2500 के आसपास है, और जो इसमें जो डिकैंट वाली है, जो जिसका एक तोला, आधा तोला, 2 तोला की प्राइस है अप्रॉक्सीमेट, 1 तोला की जो प्राइस है ना, अब मुझे याद नहीं, मैंने 2018 में इसको बाय किया था, उसकी प्राइस थी तकरीबन कोई 900,000 रुपये के आसपास, ये मैंने ली थी 800 to 1000 रुपीज़, 1800 से 1000 रुपये के आसपास तक। यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, बड़ी ही नीट, बड़ी ही क्लीन, बड़ी ही बैलेंस किस्म की फ्रेगरेंस है। मुझे इसकी फ्रेगरेंस ना उस तरह पसंद है जिस तरह मुझे सिल्क मस्क शहीर जो जे डॉट की है वो पसंद है, बल्कि मैंने वो जिसको भी रिकमेंड किया ना, सब ने मुझे इसकी तारीफ़ की है, इसके बारे में भी बड़ी तारीफ़ें मिलती हैं। लेकिन इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। इसमें एक तो मस्क है लेकिन वो थोड़ा सा पीछे करके है, और दूसरा इसमें ना फ्लोरसी टोन्स हैं। आप किसी भी फूल को उसको सूंघें सुबह के टाइम, उसमें एक ना थोड़ी सी खट्टा सा पानी, एक शार्पनेस से एक हल्की सी महसूस होती है, ताजगी के साथ एक हल्की सी टोन ऐसी होती है जो आपके नाक के अंदर जाके लगती है, बड़ी ही एक ना चुलबुली सी, थोड़ी सी सॉफ्ट सी, थोड़ी सी फ्रेश सी किस्म की भी फ्रेगरेंस है ना, वो नोट इसके अंदर आपको महसूस होता है। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बड़ी ही बैलेंस किस्म की फ्रेगरेंस है। इसमें आप इसको अपने जेंट्स के यूज़ में भी, मतलब मेन्स वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के मौसम की ये फ्रेगरेंस है, आप बिना झिझक के लगाएं, परेशान नहीं करेगी, इजी है, इजी टू वेयर है, तंग करने वाली फ्रेगरेंस नहीं है। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस इसकी लास्टिंग तो बहुत अच्छी है, ना करें एटलीस्ट तकरीबन 10 से 12 घंटों के आसपास, 9-10 घंटे तो कहीं नहीं गई ये लास्ट करती है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना प्रोजेक्शन के अंदर या सयाद जिसे कहते हैं, वो थोड़ा वीक है, बल्कि थोड़ा नहीं खासा वीक है, वो इतना वीक है कि एक आपके इर्द गिर्द क्लाउड भी नहीं बनता। अगर बिल्कुल ही कोई आपके क्लोज आएगा ना, तो वो आप इसको फ्रेगरेंस को महसूस कर सकता है, अदरवाइज ये फ्रेगरेंस नोटिस ही नहीं हो पाती। ये इतनी ही मतलब ना क्लोज किस्म का सेंट है। परफॉर्मेंस में मैं इसे डिसअपॉइंट हूँ, वीक है, बकाया जो लास्टिंग है जो सयाज में, मैं इसमें जो है ना मतलब इतना मुतमिन नहीं हो सका, बकाया जो इसकी लास्टिंग है वो बहुत अच्छी है। बल्कि अगर किसी भाई ने ये फ्रेगरेंस चूज़ की हुई है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको बता सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं कि आया इसकी जो प्रोजेक्शन है मुझे ही नहीं मिली कि आपको भी नहीं मिली, और हमारे ये जो यूट्यूब इसके जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो का कमेंट बॉक्स है, आप उसमें भी मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे नॉलेज में, मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। बकाया इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि किसी और वीडियोस के ऊपर भी लिख रहा हूँ, बल्कि मुझे काफ़ी भाइयों ने कहा कि आजकल तो आप फ्री हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, तो किसी और वीडियोस के ऊपर जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएं। देखें, मैं वीडियो को बनाने से पहले ना अच्छी तरह फ्रेगरेंस को टेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अज जल्द लेकर आऊँ, पर थोड़ी सी लेट अगर आगे पीछे हो जाए तो मुझे बुरा माजरत, आप मुझे माफ़ करें। तो बकाया ये थी हमारी आज की वीडियो, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।